80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, फ्री में वैक्सीन देने का काम भी किया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भाइयों बहनों राशन का पैसा भी खा जाते और वैक्सीन का पैसा भी सब खा जाते, किसी गरीब को नहीं मिलता। आज तो हर गरीब को आवास उपलब्ध हो रहा है, प्रधानमंत्री की आवास योजना का लाभ मिल रहा है। आज हर गरीब को हर घर नल की योजना का लाभ मिल रहा है। आज हर गरीब के घर में बिजली का लट्टू चल रहा है। आज हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। और बंधु कार्यक्रम के अंतर्गत हर बनवासी बंधु को, जनजातीय बंधु को शासन की योजना के साथ जोड़ करके आज लाखों करोड़ रुपए उनके उन्नयन के लिए गुजरात के अंदर भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रही है। आज भाइयों बहनों, गुजरात के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, विधवा महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ हो, दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन की सुविधा का लाभ हो, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। और यही नहीं, एक और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, देश के राष्ट्रपति के पद पर एक वनवासी और जनजातीय परिवार से जुड़ी हुई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बना करके भारत का गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो दूसरी तरफ गुजरात के अंदर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला का एक नया हिस्सा है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं, मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को हटा पाती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? और क्या कांग्रेस सरदार साहब का जो सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है गुजरात में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, क्या कांग्रेस बना पाती? कांग्रेस ने तो सरदार साहब को भी सम्मान नहीं दिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ है। आज जनजातीय बंधुओं को छात्रावास की सुविधा हो, स्कॉलरशिप की सुविधा हो, इन सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ अगर कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार दे रही है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात के अंदर श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जब चलेगी तो बुलेट ट्रेन के रूप में विकास के कार्यों को भी लेकर आगे बढ़ती है, और बुलेट ट्रेन की तर्ज पर ही विकास का कार्य होना चाहिए। ये विकास हम सबके जीवन का आधार बनेगा, और इसीलिए आज मैं आपके बीच कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, गुजरात में क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले गुजरात में क्या होता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, गुंडागर्दी चरम पर थी, अराजकता फैलाने का कार्य होता था, लूट खसोट थी। पिछले 20 वर्षों के अंदर
गुजरात में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, गुजरात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सुरक्षा का एक मॉडल दे रहा है, विकास का एक मॉडल दे रहा है, लोक कल्याण का एक मॉडल दे रहा है, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा दे रहा है, अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का एक नया गुजरात है और इसीलिए तो हर गुजराती कह पड़ता है जय जय गरवी गुजरात। और भाइयों बहनों, ये तब सार्थक होगा जब सातवीं बार भी कमल चुनाव चिन्ह की सरकार गुजरात के अंदर बनेगी। आप सभी श्री अभय सिंह भाई तड़वी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पे वोट देंगे, सो आप बधा भाजपा ने भव्य जीत आप सो हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आभार आदरणीय वीपी जी का।